गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास तथा आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव व जनपद के नोडल अधिकारी ने शनिवार को कलेक्ट्रेट स्थित कोविड 19 की रोकथाम के लिए बने इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम का किया निरीक्षण। कहा, जन सहयोग से ही होगा कोरोना का खात्मा। लोगों से की अपील, कहा सोशल डिस्टेंसिंग का करें पालन, लगाएं मास्क, प्रशासन को दें सहयोग। मंडलायुक्त ने किया निर्माणाधीन गुरु गोरक्षनाथ शोधपीठ, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, निर्माणाधीन तुर्रा नाले महद्दीपुर से जंगल कौड़िया तक निर्माणाधीन फोर लेन के निर्माण कार तथा एकीकृत ट्रैफिक कंट्रोल रूम का स्थलीय निरीक्षण, निर्माण कार में तेजी लाने के दिए निर्देश। दैनिक जागरण के पूर्व छायाकार एवं संस्कार भारती के महानगर अध्यक्ष स्वर्गीय राजीव केतन श्रीवास्तव के आवास पर जाकर जिलाधिकारी ने उनकी पत्नी ममता श्रीवास्तव को मुख्यमंत्री सहायता कोष से स्वीकृत 5 लाख का चेक किया प्रदान, व्यक्त की शोक संवेदना। सदर सांसद रवि किशन ने सिंघाड़िया से तुर्रा नाले तक हो रहे निर्माण कार्य का अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण। नाले के निर्माण के प्रति लापरवाही को लेकर अधिकारियों को लगाई फटकार, नाराज सदर सांसद रवि किशन लौटे वापस, लिखा नाले निर्माण को लेकर डीएफओ को पत्र। कोरोना मरीजों की सैंपल ले रहे लैब टेक्नीशियन की सुरक्षा के मद्देनजर अब टेस्टिंग स्थल पर लगाया जाएगा केबिन, जिससे लैब टेक्नीशियन न हो सके संक्रमित, जिलाधिकारी ने दी जानकारी। रिदर पुलिस लाइन स्थित राधा कृष्ण मंदिर का एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता द्वारा किया गया निरीक्षण, श्री कृष्ण जन्मोत्सव के तैयारियों का लिया जायजा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम का जिलाधिकारी तथा मुख्य विकास अधिकारी ने किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गगहा पुलिस ने राजपुर में हुई घटना में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता की अध्यक्षता में विवेचकों और सीसीटीएनएस के कर्मचारियों के साथ की गई समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कहा, मुंशी और कंप्यूटर ऑपरेटर हैं थाने की रीढ़, अच्छों को किया जाएगा पुरस्कृत। गोरखपुर में शनिवार को मिले 215 कोरोना पॉजिटिव मरीज, जिले में 3405 हुई पॉजिटिव केसों की संख्या। अब तक 67 संक्रमितों की हो चुकी है मौत, 1556 एक्टिव मरीज, 1013 मरीज स्वस्थ होकर जा चुके अपने घर, सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने दी जानकारी। महानगर के विभिन्न केंद्रों पर संपन्न हुई एमएमयूटी की प्रवेश परीक्षा, शामिल हुए लगभग 14,000 परीक्षार्थी। पुलिस लाइन में मौजूद रिजर्व पुलिस कर्मियों को किसी भी राष्ट्रीय पर्व, त्योहार और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए वरिष्ठ प्रशिक्षकों द्वारा दिया गया प्रशिक्षण, अराजक तत्वों से निपटने के सिखाए गए गुर। और महानगर में शनिवार को लॉकडाउन पर सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा, एसपी सिटी ने कहा करें लॉकडाउन का पालन, नहीं तो होगी विधिक कार्रवाई।